हिमाचल के हमीरपुर शहर में अतिक्रमण की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए जिला प्रशासन कारगर कदम उठाने जा रहा है, जिसके तहत करीब 10 करोड़ की लागत से दुकानों के आगे लोहे की रेलिंग के साथ सौंदर्यकरण का काम शुरू किया जाएगा। इसी मौके पर डीसी हमीरपुर राकेश प्रजापति ने बताया कि करीब 8 से 10 करोड़ का प्रपोजल बनाकर भेजा गया है, जैसे ही बजट आएगा वैसे ही कार्य शुरू किया जाएगा। कोशिश है जिला प्रशासन की तरफ से कि जो हमारा शहर है उसका संपूर्ण विकास हो, और इसी के मद्देनज़र हमने बोला था कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोग रेडी फली और अपने दुकानों के सामने जो सामान सजा रहे थे उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए हमने जो रणनीति बनाई थी उसमें ये था कि हम रेलिंग्स वगैरह लगाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो शहर में और भी चीज़ें थी, ड्रेनेज था और थोड़ी साफ सफाई की व्यवस्था थी, जो टाउन हॉल का था, ये सारे के ऊपर हमने एक एस्टिमेट तैयार किया है जो लगभग 8 से 10 करोड़ का है, और ये हमने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेजा है और ये ADB के माध्यम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से स्पॉन्सर होगा, और जैसे ही राशि हमें प्राप्त होगी इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।